एक तरफ सरकार के वादे तो दूसरी तरफ संस्कार धाने का ये नजारा। पुलिस की नाक के नीचे फैल रहा है आतंकवाद, खुलेआम हो रही है गुंडागर्दी और खुलेआम चल रहा है नशे का कारोबार। क्या यही है मध्य प्रदेश सरकार का सुरक्षित मध्य प्रदेश? आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। जबलपुर का यह नजारा देख आप भी रात में निकलने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। यह रात 1 बजे का सीन है जो जबलपुर के मार्केट का है, और यह जो बच्चे दिख रहे हैं वो आम बच्चे नहीं, बल्कि यह सब इंजेक्शन और कोरिक्स और सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं और आए दिन वहाँ के व्यापारियों को, रिक्शे वालों को परेशान करते हैं। आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से इन लड़कों ने एक ऑटो को छीना और गायब हो गए, और यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर पुलिस वाले भी लगभग हर वक्त मौजूद रहते हैं। चाहे रात में कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन पुलिस वालों को यह चीज़ दिखाई नहीं देती, जबकि यह सब उनकी नाक के नीचे ही होता है। यह थाना 29 जबलपुर की सच्चाई है। रात में 12 बजे का यह दृश्य देखकर और आतंकवाद देखकर जबलपुर में हमारी आंखें चौंक गईं, और हमने जो देखा हमें यकीन नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में भी इस तरह का आतंकवाद फैल रहा है, और वो भी पुलिस की आंखों के सामने। वहीं जब हमने कुछ व्यापारियों से बात की तो व्यापारियों ने जो बताया सुनकर हम दंग रह गए। उन्होंने बताया कि जब भी यहाँ कोई सामान, गैस सिलेंडर या कुछ भी चोरी करते हैं तो उसमें पुलिस इनसे बराबर का हिस्सा लेती है और इनको छोड़ देती है। इसकी वजह से इन लड़कों में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है और हर रात यह ऐसी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगे होने के बाद भी दुकानों से चोरी करते हैं और व्यापारियों की भी कहीं सुनवाई नहीं होती, और गलती से भी यदि व्यापारी पुलिस के पास जाते हैं तो उन्हें ही परेशान किया जाता है। व्यापारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से पुलिस के पास जाना ही व्यापारियों ने बंद कर दिया है। शांत रहो ऐसे ही रुको। फिर से आए थे क्या? मारपीट कर रहे थे ऐसा क्यों? अरे तो पुलिस वाले भी आसपास ही है, पुलिस वाले भी आसपास ही है ना, तो डर नहीं है इनको पुलिस का? मतलब व्यापारियों का कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से उनके व्यापार में अनिश्चितता और डर का माहौल पैदा हो चुका है। जनता ने कहा कि जब हमारी संस्कारधानी जबलपुर का मेन मार्केट ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं? स्पष्ट रूप से देखा गया है कि पुलिस की मौजूदगी में चंद दशहरी बच्चों ने रिक्शा वालों को मारा, एक ई रिक्शा छीन के भाग गए, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बेहद शर्मनाक और पुलिस प्रशासन के चरित्र पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। आसपास के पीड़ित लोगों का कहना है कभी कभी उन्हें लगता है कि वो कश्मीर जैसी असुरक्षित जगह में रह रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं।